जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की चमत्कारी महिमा। भगवान नाम लेना जब से शुरू किया, समझना चाहिए कि तभी से जीवन की असली शुरुआत हुई है। भगवान नाम में ऐसी अलौकिक शक्ति है कि वह क्षण भर में महान से महान गंदगी को धोकर परम निर्मल एवं शुद्ध कर डालती है। नाम लेने वाले का भला होने में किंचित भी संदेह नहीं है। नाम और नामी दो वस्तु नहीं हैं। भगवान नाम सब पाप धो देगा, विशुद्ध कर देगा, भगवान से मिलने की आतुरता पैदा कर देगा। भगवान नाम जीभ पर आते ही ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा स्पर्श हो रहा है। भगवान नाम के समान विशुद्ध करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। जहाँ भगवान नाम का जोर जोर से कीर्तन होता है, वहाँ का सारा वायुमंडल महान पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम का जप सुबह आँख खुलते ही शुरू कर दें और रात्रि को जब तक जगता रहे तब तक चलता रहे। भगवान नाम का उच्चारण करते समय महान से महान रस का अनुभव करें और ऐसी भावना करें कि मेरे शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम हैं, उन सबसे भगवान नाम का ही उच्चारण हो रहा है। जीभ से नाम लेते समय कान से उसे ठीक ठीक सुनते रहें तो ध्यान सहित नाम जप हो गया। इस कलयुग में और साधन भले ही कठिन हो, पर जीभ से नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है। नाम जपते जाओ और भव सागर से तरते जाओ। गोस्वामी जी ने कहा है, गाय राम गुणगन विमल भव तर बिन ही प्रयास। भगवान नाम को जिसने अपना लिया, भगवान उसके अनायास ही अपने बन जाते हैं। भगवान नाम भगवान के चरणों में भक्ति लगा देगा। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम, अभ्यास होने पर ऐसा खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है, विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती। कितने ही लोग ऐसा बोलते हैं कि राम राम बोलने से क्या होता है, मन शुद्ध होना चाहिए। अरे शब्द में शक्ति है, कोई गाली दे तो दुख होता है, क्यों दुख होता है? खराब शब्द का असर मन के ऊपर होता है। शब्द में दिव्य शक्ति है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, आपका कल्याण होगा। मैं केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह है भगवान नाम। शास्त्रों का कथन है, मेरा अनुभव है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेकों बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है श्री भगवान की दिव्य वाणी है। और मेरा विश्वास है कि इस घोर कलिकाल में नाम के सिवाय और किसी का सहारा नहीं है भगवान से भी अधिक दयालु भगवान का नाम है। नाम का आश्रय लेते ही नामी प्रकट हो जाते हैं। नाम का अर्थ है नमयति इति नामः, अर्थात नाम उच्चारण करने वाले के निकट नामी को उतार के लाता है। जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जपते हैं, वह नाम हमको मिल गया, यह तो हमारा भाग्य खुल गया। ऐसा उसका आदर करो। कल्याण चाहते हो तो निरंतर नाम जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप में ऐसी शक्ति है कि जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी, उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। पर रात दिन लगातार नाम जप करो। कल्याण चाहते हो तो नाम जप करो और प्रार्थना करो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना, भगवान के शरण होना, ये 4 व्रत आप धारण कर लें। उठते बैठते भगवान नाम लेने से संसार के दुख छूट जाते हैं। इस लाभ को कोई न छोड़े, इससे भगवान के चरण मिलते हैं। नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहे करो पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो।
सबसे पुकार पुकार कर यही कहना है मेरा। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने कि मैं पवित्र हूँ। किसी ने प्रश्न किया, क्या नाम जप से भाग्य बदल सकता है? हाँ, भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने वाली हो वह मिल जाती है, जो असंभव है वह संभव हो जाता है। ऐसा संतों का, महापुरुषों का अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है, उसको कोई पुकारे उसका नाम ले, तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या है। ये जो लोग भीख मांगते फिरते हैं, जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, वे अगर सच्चे हृदय से नाम जप में लग जाएं, तो उनके पास रोटियों का, कपड़ों का ढेर लग जाएगा, उनको किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में, पापों को काटने में नहीं लगाना चाहिए। जैसे अमूल्य रत्न के बदले कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अमूल्य भगवान नाम को तुच्छ कामना पूर्ति में लगाना बुद्धिमानी नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।